दोस्तों, ये टाइम चल रहा है सेल्फ क्वारंटाइन का। पूरे देश में सबके सब क्वारंटाइन होकर के बैठे हैं। और आज की इस वीडियो में, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि आज की इस वीडियो में हम लोग सेल्फ क्वारंटाइन पर एक वीडियो बनाएंगे, तो कल दोस्तों मुझे ख्याल आया कि अगर बनानी है तो कुछ अलग टाइप की वीडियो बनाते हैं। अगर बहुत सारे लोगों ने इस टाइप की वीडियोज़ बना रखी है कि सेल्फ क्वारंटाइन रहो, ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन मत करो, अपने हाथ धो वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें, इस वीडियो को मैं एक शॉर्ट स्टोरी के ज़रिए समझाऊंगा। शॉर्ट स्टोरी का नाम है द बैट, एक शर्त। इसको लिखा था दोस्तों एक रशियन राइटर एंटोन चेकोव ने। इनकी और भी शॉर्ट स्टोरीज़ को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये शॉर्ट स्टोरी जो है आज की वीडियो के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आती है दोस्तों, तो आपका कोई भी दोस्त इस टाइप की शॉर्ट स्टोरीज पसंद करता है, इस टाइप की वीडियोस पसंद करता है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं। रात का वक्त था, डार्क ऑटम नाइट। एक बैंकर जो बैंक में काम करते हैं अपनी स्टडीज़ में खोया हुआ था। तभी अचानक वो याद करता है शांति से बैठकर, 15 साल पहले इसने एक पार्टी होस्ट की थी। ये फ्लैशबैक में जाता है। इसने उस पार्टी में बहुत सारे गेस्ट बुलाए थे और ज़्यादातर लोग उस पार्टी में जर्नलिस्ट और स्कॉलर्स थे। तो उस पार्टी में कुछ मेहमानों के बीच में एक डिबेट हो गई कि भाई, किसी ने अगर कोई गुनाह किया हो तो कैपिटल पनिशमेंट उसको देनी चाहिए, मतलब उसको मार देना चाहिए, मतलब मृत्यु दंड दे देना चाहिए, या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, मतलब ज़िंदगी भर जेल में सड़ता रहे। तो इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर क्या है? अब पार्टी में जितने भी गेस्ट थे उनमें से ज़्यादातर तो ये मारने वाले ऑप्शन को गलत मान रहे थे। ये बोलकर कि एक क्रिश्चियन स्टेट में ये मारना बहुत ही पुराना और इमोरल तरीका है, तो ये गलत है, इसको ज़िंदगी भर जेल में डाल दो, ये ज़्यादा बेहतर है। तो हमारा बैंकर जिसने ये पार्टी होस्ट की थी, वो मारना ज़्यादा बेहतर समझता था कि मारना ज़्यादा मॉरल है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी तो वो बार बार मरता है, रोज़ मरता है। अब उसी पार्टी में एक और गेस्ट बैठा था, वो बोला, जनाब दोनों ही तरीके गलत हैं, क्योंकि कानून को कोई हक नहीं है इंसान से वो चीज़ छीन लेने का जो कानून उसे दे नहीं सकता, उसकी जान। पार्टी में एक यंग लॉयर भी बैठा था, जवान था, उसका खून गर्म था, तो वो भी बोल उठा कि मैं इन जनाब की बातों से सहमत हूँ, दोनों ही पनिशमेंट्स इक्वली इमोरल है, दोनों ही गलत है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी भर जेल में रहने वाले ऑप्शन को मैं पसंद करूँगा अगर मुझे डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है तो, क्योंकि जेल में रहकर ही सही, मैं ज़िंदा तो रहूँगा, ये मरने से बेहतर ऑप्शन है, मैं वहीं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिशें करूँगा। तो हमारे बैंकर साहब को उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने टेबल पर हाथ मारा और उस यंग लॉयर से बोला कि चल लगा शर्त, अगर तुझे 2 मिलियन रूबल मिले, मैं तुझे 2 मिलियन रूबल दूंगा, ये बहुत बड़ी रकम है, तुझे 5 सालों के लिए एक बंद कमरे में रहना पड़ेगा, एक सेल में रहना पड़ेगा, सब कुछ मिलेगा लेकिन सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी, किसी से बात करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। लॉयर बोला, 5 साल की बात कर रहे हो, मैं 15 साल के लिए रह सकता हूँ। और ऐसे ही बातों में इन दोनों ने बहुत सारे विटनेसेस के सामने अपनी शर्त को पक्का कर लिया। अब डिनर का टाइम था, बैंकर और लॉयर दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। बैंकर लॉयर को समझाने लगा कि अपनी शर्त को वापस ले ले, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन तेरी ज़िंदगी के कुछ साल ख़राब हो जाएंगे। 15 साल तो मुझे यकीन है तू रह नहीं पाएगा, 3-4 साल जितने भी रहेगा वो तो जाएंगे ही, पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 3-4 साल से ज़्यादा तू रह नहीं सकता, तेरा खून गर्म है, जल्दी जल्दी तूने बोल दिया। और बेटा एक बात और बताऊँ कि फोर्सफुली अगर किसी को बंद किया गया हो, उससे ज़्यादा साइकोलॉजिकली क्या हार्ड होता है, अपनी इच्छा से कोई आदमी बंद हुआ हो, अपने इस शर्त को वापस ले ले। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, 15 साल पहले लगाई हुई इस शर्त पर आज इस बैंकर को अफसोस हो रहा है, क्योंकि इस शर्त से इस बैंकर को कुछ भी नहीं मिला। लॉयर ने अपनी ज़िंदगी के 15 साल खराब कर दिए और ये बैंकर ने भी इतने सालों में बहुत सारा पैसा अपना खराब कर दिया। और इन दोनों में से कोई भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा कि ज़िंदगी भर जेल में रहना बेहतर है या फिर डेथ सेंटेंस। अब स्टोरी को वापस फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। वो शर्त लगाने के बाद क्या हुआ? इस बैंकर ने लॉयर के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स तैयार किए। बैंकर ने अपने घर में
रहने के लिए लॉयर को जगह दी और कहा कि अब से तुम अकेले रहोगे 15 सालों के लिए और किसी से भी बात नहीं करोगे, किसी इंसान की आवाज़ नहीं सुनोगे, न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ोगे जो कि तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं, लेटर्स भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम लेटर्स लिख सकते हो अगर तुम्हें कुछ चाहिए, बुक्स पढ़ सकते हो, पियानो बजा सकते हो, शराब पी सकते हो, स्मोकिंग कर सकते हो, टोबैको खा सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो। और कोई चीज़ चाहिए, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बुक्स या वाइन वगैरह, तो खिड़की के बाहर एक छोटा सा नोट लिखकर रख देना, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान से सुनो, भागने की अगर तुमने कोई भी कोशिश की, चाहे भागने के टाइम पर तुम पकड़े भी जाओ, तो इसका ये मतलब होगा मैं तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, एक ढीला भी नहीं मिलेगा तुमको। बोलो मंजूर है? तो लॉयर बोला कि हाँ भाई मंजूर है। शुरू शुरू में लॉयर अकेला रहने लगा, उसे बहुत दिक्कत आई अकेलेपन में एडजस्ट करने में। वो अपनी कैद में शुरू शुरू में बहुत उदास था। सारा सारा दिन, सारी रात वो पियानो बजाता था, बुक्स पढ़ता था, लाइट करेक्टर्स वाली, क्योंकि उसको बुक्स इतना पढ़ने का ज़्यादा कोई शौक नहीं था, लेकिन वो लाइट करेक्टर्स की बुक्स उठा करके पढ़ता था अपने टाइम पास करने के लिए। शराब और तंबाकू को हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि आज तो टाइम पास करने के लिए शराब पी सकता है, लेकिन बाद में छुड़वाने के लिए रोएगा। ऐसे अकेले रहते 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 उसको एक साल गुजर गया और दूसरा साल आ गया। दूसरा साल चल रहा था, इसने पियानो बजाना बंद कर दिया और क्लासिक वर्क्स को पढ़ने लगा। देखते देखते 5वां साल भी आ गया, उसने फिर म्यूज़िक में फिर से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब वो वाइन भी मांगने लगा था। इस साल ये बस पढ़ा रहा, इसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, कभी कभी ये लिखता था और कभी कभी लिखते लिखते इसकी आंखों से आंसू आ जाते थे और ये अक्सर रोता था कमरे में बैठा अकेला। 6th ईयर ये लैंग्वेजेस पढ़ने लगा, फिलोसफी, हिस्ट्री और दूसरी बुक्स को पढ़ने लगा। जो भी बुक्स इसके सामने आती थी तो ये उसको पढ़ लेता था। अब इसने 6 लैंग्वेजेस में बैंकर को एक लेटर लिखा। उसने बोला कि मैं यहाँ पे अंदर बैठा बैठा टाइम पास के लिए दुनिया के सारे जीनियस लोगों को पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, अगर तुमको इन लैंग्वेजेस में कोई मिस्टेक नहीं लग रही है तो गार्डन में आकर एक गन फायर कर दो, मैं समझ जाऊँगा, तुम्हें मुझे बोलकर बताने की ज़रूरत नहीं है, बस गन फायर कर दो। बैंकर आता है और गन फायर कर देता है। अब दोस्तों, आते आते 10वां साल भी आ गया, लॉयर ने टेस्टामेंट्स को पढ़ा, लॉर्ड बायरन, विलियम शेक्सपियर, इन सब को पढ़ता था वो 10वें साल में। अब बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने के बाद आते आते 15 साल भी गुजर गए और वो शाम भी आने वाली थी जब लॉयर को रिलीज़ होना था। लेकिन बैंकर बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि अब उसकी वो हालत नहीं थी कि वो लॉयर को 2 मिलियन रूबल्स दे सके। और जिस टाइम उसने शर्त लगाई थी वो एक्सीडिंगली पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन गुजरते टाइम के साथ जुआ, स्टॉक मार्केट, रिस्की सट्टेबाजी और दूसरी चीज़ों में इसने अपना पूरा बिजनेस ख़त्म कर लिया। बूढ़ा भी हो गया था, इसको लगा कि लॉयर तो शर्त जीतने वाला है, शर्त जीतने के बाद उसको पैसा मिलेगा तो वो पैसे से शादी करेगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा जैसे पहले करता था, और मैं बिल्कुल भिखारी हो गया हूँ। अब एक ही रास्ता रह गया है, इसके दिमाग में आता है कि एक ही रास्ता रह गया है, मुझे इस लॉयर को मारना पड़ेगा, मजबूर होकर मुझे मारना पड़ेगा। अब ये क्या करता है, सुबह 3 बजे उठता है जब सारे सो रहे थे, हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, उस वक्त ये बैंकर उठा और वॉचमैन को चेक किया, वॉचमैन वहाँ पर मौजूद नहीं था, ख़राब मौसम था तो इसको लगा ख़राब मौसम की वजह से सो गया होगा वो। वॉचमैन इसको कहीं भी ढूंढने पर नहीं मिला। ये लॉयर की विंडो पे गया, विंडो को खटखटाया तो कोई हलचल नहीं। शांति से इसने लॉयर की सेल का दरवाज़ा खोला। 15 सालों बाद इसने अंदर जाकर लॉयर को देखा। ओहो, वो तो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया था, गाल अंदर चले गए थे, पूरा पीला पड़ गया था, उम्र से ज़्यादा बूढ़ा लगने लगा था। बड़ी दया आ रही थी इस आदमी को देखकर। उसके पास में एक पेपर की शीट पड़ी थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। बैंकर के दिमाग में आया कि इस अधमरे को तो मारना कितना आसान होगा, मैं तो इसको वैसे ही मार दूंगा, लेकिन मारने से पहले उसने वो पेपर पढ़ना सही समझा कि एक बार पेपर पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको मारेंगे। पेपर में उस लॉयर ने लिखा था,
कि कल मैं आज़ाद हो जाऊंगा, 15 साल बाद मैं फिर से लोगों से मिलूंगा, लेकिन इस कमरे के बाहर जाने से पहले मैं कुछ शब्द उस बैंकर के लिए बोलूंगा। सबसे पहले तो दुनिया की सारी फ्रीडम, लाइफ, हेल्थ, ब्लेसिंग्स, इन सबको मैं बहुत कम मानता हूँ उस चीज़ के सामने जो चीज़ मुझे बुक्स पढ़ने से मिली। वो बुक्स मुझे बैंकर ने प्रोवाइड करवाई। मैंने इस कमरे में बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या देख लिया बुक्स को पढ़कर, जो किसी इंसान में मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने यहाँ पर शराब पी, गाने गाए, बुक्स के ज़रिए मैं शिकार पर गया, पूरा वर्ल्ड घूमा, ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो बहुत इम्पॉसिबल थी मेरे लिए, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। बुक्स की सारी नॉलेज मेरे इस छोटे से दिमाग में घुस गई है। और लॉयर बोलता है कि लोग पागल हैं, मिसगाइडेड हैं, जो ट्रुथ और ब्यूटी को गलत चीज़ों में ढूंढते हैं, और असल में उनको पता ही नहीं होता कि ट्रुथ और ब्यूटी किस में है। वो लोग पागल है अर्थली थिंग्स के पीछे। हिंदी में मोह माया। इसलिए मैं खुशी से कल, गौर से सुनना वो क्या बोलता है, कि मैं खुशी से कल मुझे 2 मिलियन रूबल्स जो मिलने वाले हैं उनको छोड़ता हूँ। मुझे नहीं चाहिए वो पैसे, लेकिन शर्त की टर्म्स को मैं बनाकर रखूँगा। मैं शर्त की टर्म्स को नहीं छोड़ूंगा। मैं शर्त ख़त्म होने के 5 घंटे पहले यहाँ से भाग जाऊँगा, ताकि बैंकर को मुझे पे नहीं करना पड़े वो 2 मिलियन रूबल्स। और यहीं पर यह लेटर ख़त्म होता है। वो लेटर पढ़ते पढ़ते बैंकर की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रोने लगा। उसने लेटर को नीचे रखा, उस लॉयर के माथे को किस किया और चुपचाप वहाँ से चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वापस जाकर सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। खुद को वो रोने से रोक नहीं पा रहा था। ये उठा तो इसके पास वॉचमैन भागता हुआ आया और बोला कि लॉयर भाग गया। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी ख़त्म हो गई। अब टेक्निकली बैंकर ये शर्त जीत गया, लेकिन राइटर ने उसके सवालों के जवाब दे दिए। बैंकर को ये चीज़ सीखने को मिली कि फ्रीडम वो नहीं होती जो इसने एंजॉय की 15 सालों में जुआ खेलकर, सट्टा खेलकर, बल्कि असली खजाना तो वो था जो इसने लॉयर को दे दिया पढ़ने के लिए, उसकी बुक्स। और लॉयर को भी 15 सालों ने सिखा दिया कि जिस वक्त उसने शर्त लगाई थी उस वक्त बहुत ही इमेच्योर था वो, उसे बहुत कुछ सीखना बाकी था।